यातायात पुलिस दुर्ग सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के लिए हमेशा से प्रयासरत रही है और नए नए तकनीकों के माध्यम से यातायात संचालन को सुगम बनाने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार की रात पटेल चौक दुर्ग में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव द्वारा सर्वप्रथम स्मार्ट ट्रैफिक जैकेट का ट्रायल लिया गया। इस स्मार्ट ट्रैफिक जैकेट एवं टोपी में एलईडी लाइट के साथ रिसीवर लगा हुआ है और सिग्नल में ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जिसके कारण चौक में लगे सिग्नल के लाइट का कलर बदलते ही जैकेट में भी कलर बदलता है। इस स्मार्ट ट्रैफिक जैकेट का निर्माण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर एवं तनानंद विद्यराज के नेतृत्व में बीआईटी कॉलेज के आर श्रीनिवास राजकुमार इलेक्ट्रीशियन द्वारा 3 दिन के भीतर तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया साहब, सर हम लोग बैटरी भी लगाए हैं, अगर सपोज ये बैटरी वीक होता है तो चार्जेबल है सर। एक बार में कितना देर चलेगा? करीब 1.5 घंटा। एक बार इसको किस टाइम पे इस्तेमाल किया जा सकता है? जी सर, यहाँ पर देख सकते हैं इस सिग्नल के साथ ये वाला कलर जो है मैच कर रहा है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक तो है कि ट्रैफिक जो आज बंदा है हमारा उसको पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से देख के समझ जाएगा सिग्नल क्या है, और दूसरी बात जो ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है उनको भी पता है कि ये सिग्नल है तो वो इधर भी डायरेक्ट उनको भी देख सकते हैं, और इस पर चलानी कार्रवाई करने में भी अपने को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि तुरंत को दिखा सकते हैं उनको पीछे। निश्चित रूप से नया इनोवेशन है, पूरे राज्य में पहली बार इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको हमने लोकल अपने यूनिट से बनाया है। क्या भाई आई टी हुआ? क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। किस पद पे हैं आप? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, किस पद पे हो? मैं इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर हो, तो ये कैसे बनाया आपने? सर ये साहब का आइडिया था कि अगर इस तरह से जैकेट बनाए और इसमें कोई वायर का कनेक्शन ना हो और वो सेल्फ जो सिग्नल एग्जिस्टिंग सिग्नल है उसके साथ वो कलर भी चेंज हो, तो फिर हमको आया कि ये सब चीज़ें हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के थ्रू हम कर सकते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं हुड़को में रहते हैं। हम भिलाई वाले। भिलाई वाले हो? जी सर। लोकल भिलाई के ही हो? जी सर। कितने वर्ष से काम कर रहे हो बीआईटी में? सर मैं बीआईटी में 22 साल से 22 वर्षों से काम कर रहे हो, तो पहली बार ये टेक्निकल के साथ ही अपना कोलैबोरेशन हुआ है। जो इतने सिस्टम क्योंकि भिलाई जो है वो कॉलेजेस का गढ़ है, एजुकेशनल हब है, तो दुर्ग पुलिस जितने एसोसिएटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ भी कोलेबोरेशन करके नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएगी जिससे कि जनता को इसमें फ़ायदा मिल सके। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? सर ये आपको 3 दिन लगा सर। 3 दिन लगा बस? तो आपकी मदद और किन बच्चों ने की? सर हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं लालू जी को भी है, जिन लोगों ने बनाया है कक्षा करते हैं उनको पीछे रहना है। सर ये कैसे काम करता है ये भी बताना, ठीक है? कैसे काम करता है? लाइट ले लेंगे ना? लाइट ले लेंगे ना? अरे जल रहे ना। देखिए इलेक्ट्रिशियन हो गए तो आपने इन्होंने क्या मदद की? सर इन्होंने हमारे ट्रांसमिशन जो ट्रांसमीटर हमने जो लगाया उसे पूरा वायरिंग करने में इन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया। एक इलेक्ट्रिशियन भी इतना रात निर्माण में काम करता है।